8 महीने पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। इस फैसले को अब पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। नीतीश और तेजस्वी का ये फैसला आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का था, जिसमें आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का था। और जब राज्य सरकार का ये फैसला पटना हाईकोर्ट में गया तो इसे रद्द कर दिया गया। बिहार सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC ST OBC और पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने को चैलेंज करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की और राज्य सरकार के इस फैसले को रद्द करने का आदेश सुनाया। इस पूरे मामले में याचिकाओं पर 11 मार्च को सुनवाई हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। चीफ जस्टिस KV चंद्रन के बेंच ने लंबी सुनवाई की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाया जिसे अब रद्द कर दिया गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बिहार में आबादी और नौकरी में हिस्सेदारी कितनी है। साल 2023 में बिहार सरकार ने विधानसभा के पटल पर राज्य के आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़े रखे थे। सरकार ने यह भी बताया था कि राज्य की सरकारी नौकरियों में किस वर्ग की कितनी हिस्सेदारी है। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15% है और सबसे ज्यादा 6,41,281 लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं। नौकरी के मामले में दूसरे नंबर पर 63% आबादी वाला पिछड़े वर्ग है। पिछड़े वर्ग के पास कुल 6,21,481 नौकरियां हैं। तीसरे नंबर पर 19% वाली अनुसूचित जाति है। SC वर्ग के पास 2,91,004 नौकरियां हैं। सबसे कम 1% से ज्यादा आबादी वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के पास सरकारी नौकरियां हैं। इस वर्ग के पास कुल 30,164 सरकारी नौकरियां हैं। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। वहीं अब देश में आरक्षण की बात करें तो फिलहाल देश में 49.5% रिजर्वेशन है। OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% रिजर्वेशन मिलता है। इसके अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को भी 10% आरक्षण मिलता है। इस हिसाब से आरक्षण की सीमा 50% के पार जा चुकी है। तो फिलहाल ये जो हाईकोर्ट का फैसला था वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका है। तो फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।